हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी रेसिपी है एगलेस स्पॉन्ज केक की रेसिपी। यह हमने वेनिला फ्लेवर में बनाया है। आप देख सकते हैं कि हमारा वेनिला स्पॉन्ज केक कितना बढ़िया बना है और एकदम रूई जैसा मुलायम बना है और सॉफ्ट बना है। तो आप इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई करें और मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका वेनिला स्पॉन्ज केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। तो आप देख सकते कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, एकदम मुलायम बना है। तो आप इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी नई नई रेसिपी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर दें ताकि आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाने का हमारा प्रोत्साहन बना रहे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे। अब उसमें हम एक कप रूम टेम्परेचर वाला दूध ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध को अच्छे से रूम टेम्परेचर के ऊपर ला दिया था तो उसको हम एक कप ले लेंगे। यहाँ पर सभी चीजें हमें नाप से ले लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक कप दूध ले लिया है। अब उसमें हम एक चम्मच नींबू का जूस ऐड करेंगे। अगर आप चाहे तो एक चम्मच विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम कोई भी दहिया इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं तो यहाँ पर हम इस दूध का ही इस्तेमाल करेंगे। तो उसको मैंने साइड में 10 मिनट के लिए रख दिया है। अब उस हम केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल से केक टिन को ग्रीस कर लिया है। अब सभी तरह से अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसको हम मैदे से डस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को करना बिल्कुल स्किप ना करें। तो सबसे पहले केक टिन को तैयार करके ही रखें, बाद में हम बैटर बनाएंगे। तो केक टिन हमारा तैयार रहेगा तो हम जल्दी से जल्दी केक बेक करने के लिए तैयार रख सकते है। तो केक टिन को पहले से ही ग्रीस करने की जरूरत है। अब एक बड़ा बाउल ले लेंगे, उसमें एक छन्नी रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कप पीसी हुई चीनी ले ली है। तो यहाँ पर हम एक कप मैदा ले रहे हैं तो सामने मैंने एक कप पीसी हुई चीनी ली है। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब उसे हम अच्छे से छान कर लेंगे ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब यहाँ पर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया है, ये बिना फ्लेवर वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है जब तक इसकी अच्छे से स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। अब यहाँ पर दोनों की अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब वापस से हम एक छन्नी रख देंगे और उसमें हम एक कप मैदा ऐड करेंगे। यहाँ पर सभी चीजों को अच्छे से छान कर लेना बहुत जरूरी होता है ताकि उसमें कोई भी कचरा या लम्स ना रहे। अब मैदे को अच्छे से छानने के बाद उसमें हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक चम्मच की मदद से उसको इस तरह से उंगली की मदद से सेट कर ले के लिए। तो एक चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा ले लिया है। ये खाने का सोडा आता है वो ले लिया है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप आधा चम्मच इनो भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अब हमारा मिक्सर थोड़ा सा ड्राई हो चुका है तब इसमें हम जो हमने दूध बनाया था नींबू के जूस वाला वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध इस तरह से हो चुका है। 10 मिनट के बाद इस तरह से हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाता है। तो उसको हम आधा ऐड कर देंगे, एक साथ सभी नहीं ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अभी मैंने आधा ऐड किया था तो अभी आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर अभी और गाढ़ा है। तब उसमें हम थोड़ा और दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे बैटर में कोई भी लम्स ना रहे उस बात का खास ध्यान रखें। तो अभी हम और थोड़ा दूध ऐड करेंगे। वापस से मैंने 2 चम्मच दूध ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप इसी बात का ध्यान रखना कि थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर जाए और मिक्स करते जाए ताकि हमारा बैटर एकदम पतला ना हो जाए। अभी हमारा बैटर इस तरह का हो चुका है। अभी मुझे थोड़ा और गाढ़ा लग रहा है तो वापस से मैं थोड़ा दूध ऐड करूंगी। अब दूध ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा मिक्सर एकदम तैयार हो चुका है। इस तरह से आप गिराएंगे तो रिबन की तरह बनना चाहिए। तब हमारा परफेक्ट केक बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब उसमें हम आधा चम्मच वेनिला एसेंस ऐड करेंगे।
क्रीमी लेयर सेंसेट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा केक बेटर बिल्कुल इस तरह का बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इस तरह से चेक कर सकते हैं, रिबन की तरह बनना चाहिए। अब इसको हम केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा परफेक्ट केक बेटर बनकर तैयार हो चुका है। आप इस तरह से गिराएंगे तो इस तरह का बनना चाहिए। तो सारा बेटर इस तरह से केक टिन में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमने केक टिन में सारा बेटर ऐड कर दिया है और कढ़ाई को भी मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। तो जब भी आप केक का बेटर बनाए तो कढ़ाई को पहले से ही प्रीहीट कर लेना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम गैस के ऊपर कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है और उसके ऊपर एक स्टैंड भी रख दिया है। तो अब हम केक टिन सेट कर लेंगे। अब केक टिन को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब ऊपर से हम एक बड़ा ढक्कन डाल देंगे ताकि हमारा केक टिन केक अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर हम केक को 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप चाहे तो 25 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं। तो हमारा केक 25 से 30 मिनट में तैयार हो जाता है। अभी यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने 25 मिनट के बाद चेक किया था तो तभी थोड़ा कच्चा लग रहा था, तो मैंने 5 मिनट और बेक किया है। तो यहाँ पर मैंने केक को कुल 30 मिनट के लिए बेक कर लिया है। और इस तरह से आप चेक करेंगे तो हमारा एकदम टूथपिक बिल्कुल साफ आ रहा है। इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुका है। तब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो इस तरह से किनारियों को चाकू की हेल्प से छुड़ा लेंगे और केक को डिमोल्ड कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि हमारा केक का बहुत बढ़िया कलर आ चुका है और एकदम किनारे भी बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। और देखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। तो अब मैं इसको उल्टा करके भी आपको दिखा देती हूँ कि पीछे से कैसा कलर आया है। तो इस तरह से एक दूसरी प्लेट लेकर इसको हम उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पीछे से भी बहुत बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है हमारे केक का और एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो इसे आप एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। अब मैं आपको पीसेस करके भी बता देती हूँ कि कितना हमारा केक सॉफ्ट बना है। तो इस तरह से चाकू की हेल्प से इसका हम एक पीस बाहर निकाल लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा केक पीस मैंने निकाल लिया है और आप देख सकते हैं एकदम रुई जैसा मुलायम और सॉफ्ट बना है हमारा वेनिला स्पॉन्ज केक। इस तरह से दबाने के बाद भी ऊपर आ रहा है हमारा केक। इसका मतलब हमारा केक एकदम परफेक्ट बना है और एकदम सॉफ्ट और जालीदार बना है। तो इस रेसिपी को आप घर पर जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वेनिला स्पॉन्ज केक का तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी नई नई रेसिपी के लिए देखते रहिए पूजा की देसी गुजराती रेसिपी। धन्यवाद।